नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में देश भर के डॉक्टरों में उबाल बढ़ता ही जा रहा है। इस भारी नाराजगी ने अब विरोध प्रदर्शनों का रूप ले लिया है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक के तमाम राज्यों में डॉक्टरों के साथ साथ कई अलग अलग संगठन और स्कूल कॉलेज के छात्र भी आक्रोश से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह कैंडल मार्च, धरने, नारेबाजी और पैदल यात्राएं निकाली जा रही हैं। कई जगहों पर अस्पतालों में कामकाज कुछ घंटों के लिए ठप भी रखे गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हत्या के विरोध में 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाओं को बंद रखने का ऐलान किया है। रविवार सुबह 6 बजे तक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान अस्पतालों में ओपीडी और नियमित सर्जरी बंद रखने की अपील की गई है। छोटे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम के अलावा कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोकन ने कहा कि देश के हर कोने से जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। इस अन्याय के खिलाफ डॉक्टर एकजुट हैं। आपातकालीन सेवाओं का ध्यान रखते हुए विरोध प्रदर्शन जारी हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर डॉक्टर सदमे और गुस्से से भरे हुए हैं। हम इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि इसमें महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा शामिल है। आईएमए चीफ डॉक्टर अशोकन ने कहा कि देश में इसे लेकर उबाल है जो आंदोलन का रूप ले चुका है। सुनिए उनका ये बयान। The response is overwhelming. From every corner of the country, doctors stand united against this injustice. The protest is there, taking care of the emergency services and the casualties. But the medical profession across the country has stood united across the sectors, private sector, even in corporate sector, government sectors, doctors are in protest. We are having international attention on this issue because this involves the issue of safety of women. So, you know, we have been responding to their calls and queries on what is happening. So we are expecting a gesture from the government because this is a very basic question of safety, especially safety of women, not only of our doctors, but of the entire working women class. So I think the public opinion in the country, the momentum that it has created, it has become a movement for safety. आपको बता दें कि कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट पहले ही ये आदेश दे चुका है कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। हालांकि कोर्ट का ये फैसला आने के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में संतुष्टि देखी गई थी, लेकिन उनका गुस्सा और आक्रोश शांत नहीं हुआ है। लिहाजा धीरे धीरे ये नाराजगी बढ़ती गई और अब देश भर में इसका प्रभाव महसूस किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आरजीकर अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। बताया जा रहा है कि उसके साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शनिवार को एक सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट किया गया था जिसने अब इकबालिया जुर्म कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।